परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी है। देश के सबसे बड़े परोपकारी और दानदाता उद्योगपति एवं टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि रतन टाटा को याद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। रतन टाटा जी को बहुत मन पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्माननीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी है, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सुचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन, इसका पूर्णतया पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना, और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें।